म्यांमार में पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट का विरोध करने वालों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्मों सितम को दुनिया के सामने लाने के लिए चुना है एक हथियार, और वो है उनका मोबाइल। प्रदर्शनकारी अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं कि कैसे वहां की सेना लोकतंत्र समर्थकों पर डंडे और गोलियां बरसा रही है। देखिए कैसे हैं ये सिटीजन जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के जरिए इन वीडियोस को सामने ला रहे हैं। उत्तरी यंगून में फिल्माया गया ये वीडियो म्यांमार में क्या हो रहा है ये दुनिया के सामने लाते यहाँ के सिटीजन जर्नलिस्ट। एक और मोबाइल फोन वीडियो यंगून के तामवे नाम की जगह पर इसे फिल्माया गया। इस घटना को यहाँ पर फिल्माया गया और साथ ही साथ फेसबुक पर लाइव फीड के जरिए शेयर किया गया। एक और दिन मध्य यंगून में एक प्रदर्शनकारी ने वहां पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वे घरों पर ही बने शील्ड और दूसरे साजो सामान का इस्तेमाल कर सेना को अपने पास आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उपाय काफी नहीं है। फायरिंग सुनते ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हो जाते हैं। हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन हम आजादी के लिए लड़ेंगे, ये युवा लड़की चिल्ला रही है। वो अपने फोन से ही यहाँ का मंजर फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रही है। उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी, यहाँ इस सड़क पर भी और सोशल मीडिया पर भी। म्यांमार की सड़कों पर मोबाइल से वीडियो बनाने में बड़ा खतरा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो ऐसा करते रहेंगे। ये वीडियो म्यांमार के छोटे से शहर डावे का है। इसमें एक महिला को बालों से खींचकर एक सैन्य वाहन की ओर ले जाया जा रहा है। इंटरनेट पर हजारों लोग म्यांमार के हालात दुनिया को बता रहे हैं। वहां का युवा वर्ग मोबाइल फोन्स के जरिए अपनी आवाज उठा रहा है।